बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग के पास कोडिंग स्किल थी जिसने उन्हें बिलियनर बनाया। जेफ बेजोस इलॉन मस्क के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थी जिसे उन्होंने अमेजोन और टेस्ला कार्स बनाई और जिसकी वजह से वो दोनों बिलियनर्स बने। सिमिलरली अगर आप भी जेन्युइनली अमीर बनना चाहते हो, अपनी वेल्थ अपने पैसों को तेजी से ग्रो करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ एक स्किल्स में एक्सपर्ट बनना होगा। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। अब वो इंपॉर्टेंट स्किल क्या है, ये ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी ऑल टाइम फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 6 वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी में एक्सप्लेन किया है, जिसकी समरी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए अगर आप भी वो स्किल सीखना चाहते हो सो डेट आप भी अपनी वेल्थ अपने पैसों को जेन्युइनली तेजी से ग्रो कर सको, तो इस वीडियो को कंटिन्यूसली एंड तक जरूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन द पावर ऑफ स्किल्स। मैंने अपने इस सीरीज के चैप्टर 4 की समरी में कहा था कि अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को अचीव करना चाहते हो तो आपको चार एरियाज में एक्सपर्टीज को अचीव करना होगा। ये चार एरियाज थे अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग एंड लॉ। अगर आप इन चारों टेक्निकल स्किल्स के कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझ गए तो पैसों से पैसा बनाते रहना आपके लिए एक्चुअली में बहुत ही आसान काम बन जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली स्पेशली जब पैसों की बात आती है तो ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक ही स्किल्स के बारे में पता होता है और वो है हार्ड वर्क। देखो आप मेरी इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन ये सच है कि स्कूल्स में वो सभी स्किल्स नहीं सिखाई जाती है जो रियल वर्ल्ड में डे टू डे बेसिस पे यूज होती है। मोस्ट ऑफ द स्कूल टीचर्स को रियल वर्ल्ड का पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं होता है, प्लस वो स्कूल में स्टूडेंट को वो चीजें सिखाते हैं जो उन्होंने रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस किए ही नहीं होते। इन शॉर्ट स्कूल हमें सिर्फ रीड करके मेमोराइज करना सिखाता है, जबकि ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी ऑल टाइम बेस्ट सेलर बुक में कहते हैं कि स्टडिंग का रियल मतलब होता है कि आपने जो कुछ भी सीखे हो उसे एक्चुअली में अप्लाई करना। इसलिए जब बात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की आती है तो कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है जो आपको सीखना भी चाहिए, प्लस उसे अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई भी करते रहना चाहिए। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना होगा। पहला, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मतलब आपको अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना होगा, स्पेशली वो कहाँ से आ रहे हैं, उसे आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, इस ओवरऑल फ्लो को आपको अच्छे से मैनेज करना होगा। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, जैसा कि मैं इस सीरीज में ये समझाते हुए आ रहा हूँ कि जेन्युइनली अमीर बनने के लिए आपको खुद का बिजनेस करना होगा, बहुत से मनी मेकिंग एसेट्स को बिल्ड करना होगा। अब ये चीज को अच्छे से बैलेंस करने के लिए आपको इन सबसे रिलेटेड ओवरऑल सिस्टम और प्रोसेस को अच्छे से मैनेज करना सीखना होगा। और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आप अमीर बनोगे अपने बिजनेस से और आपका बिजनेस सक्सेसफुल बनेगा उन लोगों की हेल्प से जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में आपकी हेल्प करते हैं, मतलब कि आपके एम्प्लॉयज। इसलिए अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली ग्रो करते रहने के लिए आपको अपने पीपल्स को अच्छे से मैनेज करना सीखना होगा। मोर ओवर मैनेजमेंट स्किल के अलावा एक और ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल है जिसमें ऑथर हमें स्पेशलाइजेशन को अचीव करने के लिए कहते हैं और वो स्किल है सेल्स एंड मार्केटिंग। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको अपना प्रोडक्ट बेचने आना चाहिए, उसकी अच्छे से मार्केटिंग करने आना चाहिए और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। आप किस वे में अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट, अपने बॉस एंड इवन अपने बेटर हाफ से बात करते हो, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पर्सनल सक्सेस के लिए। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग बनाओ, स्पेशली अपनी राइटिंग, स्पीकिंग और नेगोशिएटिंग स्किल्स को। अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग बनाने में मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ। मैंने कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड अपने चैनल पे बहुत से वीडियोस अपलोड किया हो, जिसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जहां आपको सारे कम्युनिकेशन रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए वो प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। और लास्ट एक और इम्पोर्टेंट स्किल जिसमें ऑथर हमें एक्सपर्ट बनने के लिए कहते हैं वो है गिविंग एंड रिसीविंग स्किल। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की जो रियल फादर थे, जिसे वो इस बुक में पुअर डैड बुलाते हैं, उनका माइंडसेट था कि जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसे हो जाएंगे तो उन पैसों को दूसरों में डोनेट कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो लाइफ टाइम मेहनत करते रहे एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, लेकिन इन दी एंड उनके पास एक्स्ट्रा जैसी कोई चीज नहीं बचती थी। पैसों से रिलेटेड उनका इस मामले में एटीट्यूड ऐसा था कि पहले रिसीव करो फिर दूसरों को दो। दूसरी तरफ रॉबर्ट के जो फ्रेंड के फादर थे, जिसे वो इस बुक में अपना रिच डैड बुलाते हैं, उनका एटीट्यूड था कि पैसे दो और रिसीव करो। ऑथर कहते हैं कि उनके रिच डैड बहुत से पैसे डोनेट करते थे अलग अलग चर्च, चैरिटीज एंड फाउंडेशन में। उन्हें पता था कि अगर वो ज्यादा पैसे पाना चाहते हैं तो पहले उन्हें पैसे देना सीखना होगा। यही रीजन है कि दुनिया में बिलियनर्स लोग, रिचेस्ट एक्टर एंड एक्टर बहुत से डोनेशन करते, कुछ डोनेशन दिखा के करते तो बहुत से डोनेशन एकदम चुपके से करते, क्योंकि वो स्टार्टिंग से इस फाइनेंशियल सीक्रेट को अच्छे से जानते और फॉलो भी करते कि अगर आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको पहले पैसे देना सीखना होगा। 'Cause the more you give,
द मोर यू शैल रिसीव। सो टू कंक्लूड, रिच डैड पुअर डैड के 6 चैप्टर से हमें ये सीखने मिला कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करके अपनी वेल्थ को तेजी से ग्रो करना चाहते हो, पैसों से पैसे बनाते रहना चाहते हो, तो आपको 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स में एक्सपर्टीज बनना होगा। पहला है मैनेजमेंट स्किल, जिसमें आते हैं मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो सिस्टम एंड पीपल। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें आपको अपनी राइटिंग स्पीकिंग और नेगोशिएटिंग स्किल को स्ट्रांग बनाना होगा। और लास्ट तीसरा है गिविंग एंड रिसीविंग स्किल। अगर आप ज्यादा पैसे पाना चाहते हो तो आपको पहले ज्यादा पैसे देना सीखना होगा, मतलब कि अपनी मनी डोनेशन और चैरिटी स्किल्स को इम्प्रूव करके बेटर बनाना होगा। वेल, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट वो सभी भी इस इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल लेसन को सीख सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इस बुक में टोटल 8 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और हर चैप्टर की डिटेल समरी मैं अपने चैनल पे वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूँ, इसलिए अगर आप बाकी के चैप्टर की समरी मिस करना नहीं चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।